साल 2022 अक्षय कुमार के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं रहा है और उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से असफल हुई हैं। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, रक्षाबंधन और राम सेतु, ये सभी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई है। साल 2023 में भी अक्षय कुमार कई बड़ी फिल्मों के साथ दिखने वाले हैं। अक्षय कुमार की कई बड़ी फिल्में जैसे इमरान हाशमी के साथ सेल्फी, कैप्सूल गिल, बड़े मियां छोटे मियां और ओ माई गॉड 2 जैसी बड़ी फिल्में भी रिलीज हो रही है। अक्षय कुमार लगभग साल 2023 और साथ ही में 2024 में कई फिल्मों के साथ सिनेमा घरों में उतरने वाले हैं। ऐसे में एक ऐसी फिल्म भी है जिसे अक्षय कुमार एक और बड़े एक्टर के साथ कर रहे हैं, जिसकी कुछ डिटेल्स भी सामने आ गई है। यहां तक कि सेट से फिल्म का एक सीन भी लीक हो गया है। इस फिल्म की बात करें तो ये सी शंकरन नायर बायोपिक होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म का नाम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सी शंकरन नायर रखा गया है। इस फिल्म को करण सिंह डायरेक्ट करेंगे। ये मूवी पूरी तरह से कोर्ट रूम पीरियड ड्रामा 1920 से 1930 के एरा में सेट होगी। जी हां, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार बहुत जल्द ही एक और बायोपिक फिल्म करते दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म में वो अनन्या पांडे के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के तले बनाया जा रहा है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ आर माधवन भी दिखाई देने वाले हैं, जो अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते दिखाई देंगे। आपको बता दें कि अक्षय कुमार और आर माधवन ने इसकी शूटिंग भी शुरू कर दी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार और आर माधवन दोनों ही वकील की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं अनन्या पांडे के रोल की बात करें तो मेकर्स ने उनके रोल के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है। बताते चले कि अक्षय कुमार फिल्म में जिस सी शंकरन नायर का रोल निभाने वाले हैं, वो पेशे से मद्रास हाई कोर्ट में वकील और जज थे। जानकारी के मुताबिक नायर हमेशा सही के साथ खड़े रहते थे। नायर ने 1897 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। वो सबसे कम उम्र में मलयाली प्रेसिडेंट बन गए थे। अंग्रेजों ने उनके बागी रवैये को देखते हुए साल 1912 में नाइटहुड की उपाधि उन्हें दी थी। अक्षय कुमार सी शंकर नायर की बायोपिक को शूट करने के बाद फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के शूट पर चले जाने वाले हैं। जनवरी में फिल्म बड़े मियां छोटे मियां फिल्म की शूटिंग शुरू होनी है और उसका पहला शेड्यूल फरवरी तक खत्म होना है, जिसके बाद अक्षय कुमार फरवरी में सी शंकरन की बायोपिक पर आधारित फिल्म का आखिरी शेड्यूल पूरा करेंगे।